17 साल बाद एक बार फिर से वो वक्त आया है। पूरी दुनिया में भारत की बेटी ने पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी हाँ दोस्तों, 118 सुंदरियों को पीछे छोड़कर मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतने वाली वो भारत की बेटी है, मानुषी छिल्लर। आइए फ्रेंड्स देखते हैं सन 1966 से 2017 तक मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली भारत की सुंदरियां। 1966 में रीटा फारिया बनी भारत की पहली मिस वर्ल्ड। सन 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन बनी भारत की दूसरी मिस वर्ल्ड। सन 1997 में डायना हेडन बनी भारत की तीसरी मिस वर्ल्ड। सन 1999 में युक्ता मुखी बनी भारत की चौथी मिस वर्ल्ड। सन 2000 में प्रियंका चोपड़ा बनी भारत की पांचवी मिस वर्ल्ड। और अब पूरे 17 साल बाद सन 2017 में मानुषी छिल्लर बनी है भारत की छठी मिस वर्ल्ड। जी हाँ दोस्तों, 20 वर्षीय मानुषी हरियाणा की रहने वाली भारतीय लड़की ने खिताब जीता है। 18 नवंबर 2017 को चाइना के सान्या शहर में कॉम्पिटिशन हुआ, जिसमें उन्हें मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता है। और इसी साल 25 जून 2017 को उन्हें फेमिना मिस इंडिया का भी अवार्ड दिया जा चुका है। मानुषी छिल्लर का जन्म 14 मई 1997 में हरियाणा की एक जाट फैमिली में हुआ। मानुषी तीन भाई बहनों में छोटी हैं। उनके पापा का नाम मित्र बासु छिल्लर है, जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट है, और माँ का नाम नीलम है, जो प्रोफेसर है। उनकी पूरी फैमिली दिल्ली में रहती है। मानुषी की शुरुआती पढ़ाई सेंट थॉमस स्कूल दिल्ली से हुई। वह फिलहाल हरियाणा के भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में MBBS सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, और वे आगे चलकर हार्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहती हैं। सन 2017 में मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में भारत की तरफ से उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। एक इंटरव्यू के दौरान मानुषी ने कहा, मिस वर्ल्ड ताज के लिए पूरे देश ने 17 साल इंतजार किया है। वह ताज मैं अपने देशवासियों के लिए जीतना चाहती थी। मानुषी के दोस्तों ने बताया, इस मुकाम तक पहुँचने के लिए मानुषी ने बहुत ही कड़ी मेहनत की है। उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन उन्होंने खाने छोड़ दिए। वे रोज सुबह 4 बजे उठकर वर्कआउट करती थी और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग लेने वीकेंड में अपनी कोच के पास जाती थी। इसके अलावा क्लास 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में पूरे देश में टॉप कर देश का नाम रोशन किया। मानुषी एक ट्रेन कुचिपुड़ी डांसर भी है, और उनको आउटडोर स्पोर्ट्स में भी काफी दिलचस्पी है। साथ ही साथ फ्री टाइम में उन्हें पेंटिंग करना भी बहुत पसंद है। मानुषी जब मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीतकर हरियाणा लौटी, तो उन्होंने मीडिया वालों से कहा, जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऊपर पकड़ने के लिए हमें नीचे छोड़ना पड़ता है। डेफिनेटली मुझे भी कई चीजें छोड़नी पड़ी, पर मुझे अपना गोल साफ दिखाई दे रहा था आगे। सबसे अच्छी बात यह थी दोस्तों कि जब टॉप 5 कंटेस्टेंट में जगह बनाने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको कौन सा प्रोफेशन ऐसा लगता है जिसके लिए सबसे ज्यादा सैलरी दी जानी चाहिए और क्यों, तब उन्होंने बहुत ही प्यारा सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मेरी माँ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है, इसलिए मैं कह सकती हूँ माँ होने की जिम्मेदारी सबसे कठिन है। और बात केवल पैसे की नहीं, माँ को मिलनी चाहिए सबसे ज्यादा सैलरी। हाल ही उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट शक्ति। इसका मेन मोटो है हेल्थ एंड हाइजीन फॉर गुड हेल्थ। इस प्रोजेक्ट के दौरान मानुषी ने 20 गांव जाकर 5000 औरतों का ट्रीटमेंट किया है। दोस्तों मानुषी ने मुंबई में रहकर ही मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन के लिए ट्रेनिंग ली। मानुषी अपना रोल मॉडल रीटा फारिया को मानती हैं, जो सन 1966 में देश के लिए मिस वर्ल्ड का ताज जीतने वाली पहली ब्यूटी क्वीन है। मानुषी बहुत ही प्यारी बात कहती हैं, अगर आप अपने सपनों के पीछे भागते हैं और उन्हें पाने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं, तो आपकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। और जिस व्यक्ति में सपनों का सामना करने की ताकत होती है, उनकी जिंदगी हमेशा ऊंचाइयां छूती है। तो दोस्तों लास्ट में कहना चाहती हूँ, मानुषी ने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर यह किताब अपने नाम किया। उनके मम्मी और पापा को भी सच सच नमन है, जिन्होंने मानुषी का हर कदम में साथ दिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और स्पेशली फ्रेंड्स सब्सक्राइब बटन क्लिक करें जो कि बिल्कुल फ्री है। लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी के लिए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। बाय फ्रेंड्स।